हेलो गाइस, वेलकम टू फार्मसी। तो आज हम देखेंगे मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या होता है। सबसे पहले मार्केटिंग एनवायरनमेंट से ये हम समझते हैं कि उसका जो हम मार्केटिंग कर रहे हैं तो उसका एनवायरनमेंट कैसा है, मतलब कि बेसिकली हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि जैसे तीन टाइप्स के एनवायरनमेंट हैं। एक तो इंटरनल एनवायरनमेंट, मतलब कि कंपनी जिस मतलब वो कंपनी वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री या वो पर्टिकुलर कंपनी है उसका इंटरनल एनवायरनमेंट। सेकंड है माइक्रो एनवायरनमेंट, जो मतलब बेसिकली बिजनेस से रिलेटेड हैं और उसकी फंक्शनिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। और फिर तीसरे होते हैं हमारे मैक्रो एनवायरनमेंट। तो मैक्रो एनवायरनमेंट से हम ये समझते हैं कि जो आउटसाइड के फैक्टर्स होते हैं, जो रिलेटेड तो होते हैं कंपनी से, बट उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। तो थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट, ऑल द फैक्टर्स दैट आर इनसाइड द इंडस्ट्री एंड अफेक्ट्स द ओवरऑल बिजनेस ऑपरेशंस। कि जो फैक्टर्स है वो कोई भी फैक्टर जो इंडस्ट्री के अंदर प्रेजेंट है और ओवरऑल बिजनेस के ऑपरेशंस को अगर वो किसी भी तरह से अफेक्ट करते हैं तो वो जो होते हैं वो होते हैं हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट। और जैसे एग्जांपल लेबर, इन्वेंटरी, कंपनी पॉलिसी, बजट्स, लॉजिस्टिक्स, कैपिटल असेट्स एक्सेट्रा, ये जो चीज़ें हैं वो इंटरनल है, एक कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल थिंग्स है। बट दो ये कंपनी के सेल्स या उसकी ऑर्गेनाइजेशन या उसके ऑपरेशंस को इफेक्ट करते हैं, तो ये आ जाते हैं हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में। अब नेक्स्ट है माइक्रो एनवायरनमेंट। तो माइक्रो एनवायरनमेंट वो होता है जो बिजनेस से रिलेटेड होता है और उसकी फंक्शनिंग को इन्फ्लुएंस करता है इन वन वे और द अनदर। माइक्रो एनवायरनमेंट में हमारे होते हैं सप्लायर्स, ओके, रिटेलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, कॉम्पिटिटर्स जो कम्पीट करते हैं, जो दूसरी इंडस्ट्रीज हैं जो कम्पीट कर रही हैं। तो ये भी बहुत ये बहुत बड़ा फैक्टर हो जाते हैं, क्योंकि अगर कम्पिटिटर ज़्यादा बेटर परफॉर्म करने लग जाते हैं तो अल्टीमेटली वो हमारी कंपनी की ग्रोथ को अफेक्ट करेंगे। शेयर होल्डर्स, कितने लोगों ने हमारे शेयर होल्डर्स किए हैं, होल्ड किए हैं, कितने होल्ड किए हैं, वो भी बहुत मैटर करता है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं वो सब बहुत मैटर करती है। जनरल पब्लिक, ठीक है, कस्टमर्स कि किस टाइप के लोग उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को या उसकी सर्विसेज उस कंपनी की सर्विसेज को खरीदते हैं, तो वो कस्टमर्स पे भी मैटर करता है कि उन्हें किस टाइप की सर्विस या प्रोडक्ट पसंद है। और अगर हम उन्हें जो वो एक्सपेक्ट करते हैं अगर हम उन्हें वो प्रोवाइड नहीं कर पाते तो ऑब्वियसली वो किसी दूसरी कंपनी के पास चले जाएंगे। एम्प्लॉयज, ऑब्वियसली अगर एक कंपनी के अंदर उसके एम्प्लॉयज ही खुश नहीं है, वो एम्प्लॉयज ही अच्छे से वर्क नहीं कर रहे, तो अल्टीमेटली वो कंपनी की ग्रोथ को इफेक्ट करेंगे। फिर आ जाता है हमारा मैक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट वो होता है ऑल द फैक्टर्स दैट आर रिलेटेड टू आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन एंड कैन नॉट बी कंट्रोल। ये जो होता है ये आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन होता है एकदम, और ऐसी चीजें जो कंट्रोल हम नहीं कर सकते जनरली। तो मैक्रो एनवायरनमेंट में पॉलिटिकल हो सकता है, लीगल हो सकता है, सोशल हो सकता है, इकोनॉमिक हो सकता है और टेक्नोलॉजिकल हो सकता है। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के बारे में। तो इंडस्ट्री एनालिसिस क्या है? जब हम हमारी इंडस्ट्री को एनालाइज करते हैं, जो इंडस्ट्री के अंदर जिस भी इंडस्ट्री की बात चल रही है मार्केटिंग के बेसिस पे, तो उस इंडस्ट्री की हम एनालिसिस करते हैं। तो एनालिसिस करते हैं तो हम देखते हैं कि किन किन चीज़ों से, मतलब फाइव मेन फैक्टर्स होते हैं जो मेनली डिस्क्राइब करते हैं इंडस्ट्री को। तो सबसे पहले तो होता है राइवलरी अमॉन्ग
एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स, मतलब जो ऑलरेडी कॉम्पिटिटर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं मार्केट में उस पर्टिकुलर कंपनी या इंडस्ट्री के, उनके बीच में क्या राइवलरी है, क्या दुश्मनी है। उसके बाद थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, मतलब न्यू एंट्रेंट्स मतलब कि कोई ऐसी दूसरी नई कंपनी जिस जो इतनी ही ताकत रखती है कि हमारी कंपनी से ज़्यादा बेटर परफॉर्म वो कर सकती है। फिर है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, जो खरीद रहे हैं उनकी वो कितना ज़्यादा बार्गेन कर सकते हैं। फिर थर्ड है, फोर्थ है थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो सब्स्टिट्यूट है हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज की, बट मे बी पॉसिबल कि वो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ज़्यादा बेटर हैं हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज से। फिर आता है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कॉम्पिटिटर एनालिसिस की। तो जो कॉम्पिटिटर्स हैं, अगर हम उनका, ये तो हमारी इंडस्ट्री की पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में एनालिसिस हो गई, लेकिन फिर हम करते हैं बात कॉम्पिटिटर्स एनालिसिस की। तो करंट कॉम्पिटिटर्स एनालिसिस कैन बी समराइज्ड एज लिस्टिंग बाय मार्केट शेयर रैंकिंग बाय ईच टारगेट मार्केट इफ पॉसिबल। करंट कॉम्पिटिटर्स का फुल एनालिसिस करेंगे ऑफ टॉप, मतलब फुल एनालिसिस ऑफ टॉप कॉम्पिटिटर्स, तो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को कंपेयर कर सकते हैं हम, जिसमें एग्जाम्पल है डिस्क्रिप्शन, यूनिकनेस और प्राइजिंग, मतलब ये सब हम चेक कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कंपिटिटर में, उनका मार्केट शेयर कितना है, करंट सेगमेंट्स एंड टारगेट कस्टमर्स, अभी किस सेगमेंट में वो कंपिटिटर हमारे वर्क कर रहे हैं और उनके टारगेट कस्टमर्स कौन से हैं, पोजिशनिंग एंड प्रमोशन की स्ट्रेटजीज क्या है उनकी, पार्टनरशिप्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड अलायंसेस क्या क्या हैं, पोटेंशियल कॉम्पिटिटर्स कौन से हैं, रीसेंट न्यूज़, एक्सप्लेनेशन ऑन हु दे आर और मे बी एंड वाई दे आर सीन एज अ पोटेंशियल कॉम्पिटिटर। और लास्ट में आता है हमारा स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस मतलब कि स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स एनालिसिस। तो ये बात हो गई हमारे इंडस्ट्रियल एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के बारे में। Thank you guys for watching. Please like, share and subscribe.